Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study Show with Pratitu, and there's going to be another episode of our 25 days master plan of Be Honest Political Science students. So you might be wondering that ki is video mein hum kya discuss karne wale hain. Well, into this video we are going to discuss about that ki aapko answer attempt kaise karne chahiye, and specifically when it comes to the understanding political theory I'm going to talk about that. But before starting this video, just want to tell you all that currently I'm running a crash course into which हम लाइव क्लास कर रहे हैं अबाउट द थिंग्स कि सारे टॉपिक्स का रिविजन हो रहा है एंड सो ऑन. सो इफ यू वॉन्ट टू जॉइन दिस कोर्स यू कैन डू इट, हाउ एवर इट्स अ पेड कोर्स. टू नो मोर अबाउट इट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप वहां पे टेक्स्ट कर सकते हो एंड कैन नो अबाउट द कोर्स. एंड देयर वुड बी ऑन टू द अदर साइड, आई विल बी देयर टू रिप्लाई फॉर योर क्वेरीज. एंड हियर लेट अस स्टार्ट विद दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएससी वन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के लिए हमने सारे के सारे जो हमारे नोट्स हैं वो अपडेट कर दिए वेबसाइट पे. सो समथिंग that you can easily get it onto our website. अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम में लिंक डाल रही हूं मैं, that is of our my टेलीग्राम चैनल. यू कैन जस्ट गो अहेड एंड कैन फाइंड आउट नोट्स देयर. मूविंग अहेड अबाउट आर मेन आंसर राइटिंग, व्हेन इट कम्स टू द आंसर राइटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, माय ऑनेस्ट सजेशन वुड बी दैट यू नीड टू गो फॉर द स्ट्रक्चर वाइज. बहुत सारे लोग पूछते हैं लाइक हमें पॉइंट वाइज करना चाहिए, पैरा वाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लॉजिकली सोचोगे पॉइंट वाइज लिखोगे तो आफ्टर राइटिंग ऑलमोस्ट 10 to 12 पॉइंट्स यू विल एंड अप फॉर 3.5 पेज एंड दैट इज नॉट एनफ. तो यू ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि आप पैरा एंड पॉइंट मिक्स करके चलो, यानी कि पैरा लिखो बट वो पॉइंट वाइज लिखो. आई होप यू आर गेटिंग इट. आई बी शेयरिंग सम ऑफ द आंसर राइटिंग ऑन टू माई टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. बेसिकली इज दैट कि यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप आंसर का इंट्रो दोगे, मार्क्सिज्म से पूछा है, लिबरलिज्म से पूछा है, एज पर दैट यू विल बी गोइंग फॉर दैट वन. फिर आपका मेन बॉडी आता है जिसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन एड्रेस करना है आपको, जो भी पूछा गया है. गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी आई सजेस्ट कि मेन आंसर में आप अगर फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा. फ्लो चार्ट ऐड करने के बाद कुछ उसमें की पॉइंट्स भी ऐड कर देना एंड देन कम टू द कंक्लूजन. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर आंसर. एंड द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी पेजेस का आंसर होना चाहिए. As far as I know, you are going to the point for addressing the answer. For instance, आपने अपना आंसर लिखा एंड आप एकदम टू द पॉइंट आपने बताया. मिनिमम 5 to 6 रखना, लाइक इससे नीचे ना जाए तो बेहतर है. मैंने अपने बहुत सारे आंसर्स में 5 pages भी लिखा है, बहुत सारे आंसर्स में 8 pages एंड 10 pages भी किया है. बट आई डोंट थिंक सो दैट फॉर एवरी आंसर आई कैन गो फॉर 10 pages एंड इट इज ट्रू एज वेल फॉर एवरी स्टूडेंट. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट कि आप इतना लेवल मेंटेन करो. फॉर ईच आंसर इफ यू थिंक दैट कि दिस इज समथिंग आई कैन राइट मोर, तो उसमें आपने ज्यादा लिख दिया. दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट राइट मोर एंड उसमें आपको थोड़ा सा कम मटेरियल डालना है बिकॉज यू आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द टॉपिक, तो आप कम डाल सकते हो. बट विद द स्ट्रक्चर दैट आई एम टेलिंग यू ऑल, अगर आप वो स्ट्रक्चर फॉलो करते हो ना तो ईजिली बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर आप आसानी से इतना तो कवर कर ही लोगे. 5 pages इज नॉट अ बिग डील. सो बस आपको पता होना चाहिए इंट्रो कंक्लूजन मेन बॉडी में कंट्रास्ट क्या होता है. आई ट्राई टू ब्रिंग अप वन ऑफ द आंसर राइटिंग सैम्पल while explaining and while in fact writing by myself about that answer, so that aap logon ke liye clear ho jayega. Most probably I'll be holding one of the workshop onto YouTube live session. To shayad ye abhi Sunday jo aa raha hai wo nahi, but isse next wala jo Sunday hoga I'll try to do that workshop during that time. Otherwise main aapke exams time pe to zarur karungi. Us workshop mein hum mainly yahi discuss karenge ki answer writing attempt kaise ki jati hai. So that's it for today's video. In case you want to know anything else, I would love to help you all. So aap mujhe comment section mein bata sakte. And you can also purchase my course, which is available for first semester students, Be Honest. And we will be starting our second semester as well. Like, मुझे जहां तक उम्मीद है हम सेकेंड सेमेस्टर का हमारा बैच शुरू कर देंगे एज सून एज वी एंड अप विद आवर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. डू लेट मी नो इन केस यू वांट टू हैव एनीथिंग एल्स. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब. स्टडी शो विद प्रतीतु फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट. बाय बाय फॉर नाउ.